बेगूसराय पुलिस ने चर्चित ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस ट्रिपल हत्याकांड का मुख्य आरोपी मृतक संजीवन महतो की पहली पत्नी का बेटा ही था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की यह घटना 10 अगस्त को बछवारा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर गांव में हुई थी। घर में सो रहे संजीवन महतो, उनकी पत्नी, एक बेटे और बेटी का निर्मम तरीके से धारदार हथियार से गला काट दिया गया। संजीवन महतो, उनकी पत्नी और बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे अंशु कुमार की 2 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने लगातार टेक्निकल अनुसंधान के माध्यम से हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश की। आखिरकार उस हत्यारे तक पहुंच ही गई। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजीवन महतो की पहली पत्नी का बड़ा लड़का निकला। घटना के संबंध में बेगूसराय के SP मनीष कुमार ने बताया कि संजीवन महतो की पहली पत्नी के बड़े बेटे अश्विनी उर्फ भोला कुमार ने ही पूरे परिवार पर सोने के समय धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें संजीवन महतो, उनकी पत्नी और बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे का 2 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गया। उन्होंने बताया कि संजीवन महतो का बेटा अश्विनी अपने पिता की दूसरी शादी से काफी नाराज था और काफी घुटन महसूस कर रहा था। आवेश में आकर बेटे ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। SP मनीष कुमार ने यह भी बताया कि अश्विनी को सौतेली माँ के द्वारा डांटा जाता था, इससे भी वह काफी खफा चल रहा था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। ये 9 और 10 की रात में, हम 10 की अहल सुबह मान सकते हैं, घटना हुई थी रसीदपुर गांव में बछवाड़ा थाना अंतर्गत। हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा बेटी की डेथ हो गई, बेटी की, तीन लोगों की डेथ पहले हो गई थी और जो बेटा था छोटा, उस इलाज के क्रम में PMCH में आज डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में कांड संख्या 301/24 मृतक की जो माता जी हैं उनके बयान पर दर्ज किया गया था, उसका सफल उद्भेदन बेगूसराय पुलिस द्वारा कर लिया गया है और इसमें हमें जो भी काफ़ी हेल्प प्राप्त हुई है वैज्ञानिक साक्ष्यों की और इसमें FSL के सहयोग से हमारी टीम, जिसको कि लीड कर रहे थे SDPO टेघड़ा और SHO बछवाड़ा, हमारी DIU टीम और साथ में जो भी सदस्य थे, सभी ने इसको 3 दिनों के भीतर इस केस का उद्भेदन कर लिया है। जो मृतक है उसका पहली शादी से जो बेटा जो है उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है एवं निशानदेही के आधार पर घटना के टाइम पहने हुए वस्त्र जिसमें कि खून के धब्बे मौजूद हैं एवं निशानदेही के आधार पर बरामद किया गया है वो हथियार जो बांस का बल्ला है, भारी बल्ला है और साथ में एक चाकू है जिससे कि नदी किनारे डाला गया था, उसको रिकवर कर लिया गया है। इसमें वैज्ञानिक एंगल से हम लोग भी जांच कर रहे हैं और प्रदर्शकों को FSL भेजा जाए। कांड का उद्भेदन हो चुका है। घटना का कारण क्या था? वजह क्या हुई है? घटना का कारण जो अभी तक पूछताछ में मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाद सामने आई है कि जो ये जो लड़का था इसको तिरस्कृत महसूस कर रहा था दूसरी शादी होने के बाद में से। इसका कहना था कि इसके पिताजी जो कि अब दिवंगत हो गए हैं कि मारपीट करते थे और माता जी के द्वारा डांट पड़ाई जाती थी। ये दूसरे घर में अपने जो बगल में ही है अपनी दादी और चाची के साथ रहता था, तो इसके मन में विद्वेष की भावना भरी हुई थी। SDPO टेघड़ा के द्वारा कर रहे थे, इनके नेतृत्व में हमको ये सफलता मिली।